साडा जो है ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक डेडिकेटेड आर्ट स्कूल है और इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट आर्ट डिपार्टमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल इसमें है, इसमें फाइन आर्ट है, इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन है, मल्टीमीडिया आर्ट्स है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, सेरामिक्स डिज़ाइन है और इसमें आर्किटेक्ट डिज़ाइन है. साडा में पढ़ने वालों को बच्चों का जो फ्यूचर है वो उनके स्किल्स, उनके पोर्टफोलियो और उनके टैलेंट पर डिपेंड करता है. साडा के जो यहाँ से लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ से फाइन आर्टिस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आर्ट स्कूल में टीचिंग भी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी आर्ट गैलरीज हैं और उन बच्चों का जो काम है वो काफ़ी नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज भी हो चुका है और उनको काफ़ी ज़्यादा बच्चों को अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. रिसेंटली अलहमरा जो आर्ट गैलरी थी वहाँ पे साडा के जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट्स थे उनकी थीसिस का काम डिस्प्ले किया गया. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग और पॉलिटिशियंस और काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो वहाँ पे उन्होंने विजिट किया और साडा के बच्चों का जो है वो काम को देखा और उसको अप्रिशिएट किया. साडा में एडमिशन लेने के लिए पहले तो जो सबसे बेसिक चीज़ है वो यह है कि आपके अंदर आर्ट के हवाले से आपका एक सेंस डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर और आपके अंदर एक छोटा सा थोड़ा बहुत बंदे के अंदर टैलेंट होना चाहिए. और जहाँ तक एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात है वहाँ पे यह है कि आपको इंटरमीडिएट में आपके 45% नंबर आपको चाहिए होते हैं आप एडमिशन लेने के लिए. और अगर आपने आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो फिर आपके एटलीस्ट 50-55% आपको नंबर चाहिए होते हैं. जो फाइन आर्ट्स की फील्ड के बारे में हम जब बात करते हैं तो फाइन आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फील्ड्स हैं. उसके अंदर आपका स्कल्पचर आता है, आपकी मिनीएचर पेंटिंग आ जाती है, आपकी ऑयल पेंटिंग आ जाती है और प्रिंट मेकिंग आ जाती है. हर स्टूडेंट है ये उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेजर चूज़ करना चाहता है और उसको फर्दर फ्यूचर में अपने साथ लेके जाना चाहता है और उस पर काम करना चाहता है.